मैं धन्यवाद देता हूं सभी अपने पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, आम जनता का, जिन्होंने धूमल जी को जन्मदिन की बधाई दी है। व्यक्तिगत रूप से भी आए हैं, सोशल मीडिया पर भी, मीडिया में भी, और फ़ोन पर भी बधाई देने का तांता लगा हुआ है। वर्षों वर्षों तक जनता की सेवा जिस तरह से धूमल जी ने की है, कार्यकर्ताओं का और जनता का दिल जीता है, इसलिए सदा उनका आशीर्वाद धूमल जी के साथ रहता है। और हम सब के लिए एक प्रेरणा के रूप में वो हैं कि कोई गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसके काम के लिए अभी भी वो जितनी तत्परता के साथ कदम उठाते हैं, वो हम सब के लिए एक सीखने लायक भी है। और कहीं ना कहीं जो विकास उन्होंने हिमाचल प्रदेश का किया, आज भी जनता के दिलों में वो उसी तरह से बसा हुआ है। गांव-गांव को जोड़ना, पनबिजली परियोजनाएं लगाना, सड़कों का जाल बिछाना, 12,000 कमरे स्कूलों में बनवा देना, ऐसे अनेकों काम कि हिमाचल प्रदेश की आय को बढ़ाने का भी उस दिशा में जो कदम उठाए, आज भी जनता याद करती है। और इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो आशीर्वाद दिया है और अपनी शुभकामनाएं भेजी, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश में हजारों करोड़ का कर्जा मात्र 3 महीने में ले लिया, अब 12,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा और लेने की तैयारी है। आखिर किस दिशा में हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस की सरकार ले जा रही है? कर्जे तले हिमाचल को डुबाना और दबाना, ये कांग्रेस की प्राथमिकता बन गई है। अपने खर्चे कम करने की बजाय CPS की नियुक्ति करना, इनकी सोच पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये कांग्रेस ही हैं, सत्ता में आते मजे लूटते हैं, पदों पर रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, बड़े बड़े बंगले लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं करते। जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, प्रदेश पिछड़ रहा है। आखिरकार क्या सोच को लेकर आए हैं? क्या झूठे वायदे करके केवल सत्ता में आना ही था कि सेवा करके प्रदेश को आगे ले जाने की अभी कोई सोच है? CPS पर पहले भी निर्णय आ चुका है, जब पहले भी एक बार कांग्रेस ने प्रयास किया था तो कोर्ट ने निर्णय उसके खिलाफ दिया है। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी बनी कि इनको फिर वापस लाना पड़ा? क्या सरकार के अंदर ही इतना विरोध है कि मजबूरी बन गई है कि ज़्यादा लोगों को अलग अलग पदों पर रखा जाए? जो मंत्री हैं वो संतुष्ट नहीं और जो CPS हैं वो लीगल नहीं? सुखू जी, सामने दिख रहा है देश को, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता जो बढ़ी है उसके कारण गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड सीटें 152 से ज़्यादा जीती। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाकर गठबंधन की सरकारें भी बनाई हैं। अगर इतनी ही लोकप्रियता थी तो यात्रा के चलते अधिकतर राज्य कैसे खो दिए? हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नगरोटा, बंगवा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन्स ओपन नर्सरी, LKG, UKG टू 12th, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775, 8091711062। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।